बच्चे को स्कूल छोड़कर घर वापस लौट रहे एक फौजी को पानी ढो रहे लोडर ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक समेत फौजी लोडर के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक लोडर को छोड़कर फरार हो गया। घटना बुधवार को शहर कोतवाली अंतर्गत कालूकुआं पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई। कालूकुआं मोहल्ले के महादेव पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले पूर्व फौजी इंद्रपाल बुधवार को सवेरे अपने बच्चे को मोटरसाइकिल से छोड़ने स्कूल गए थे। वहां से लौटने के बाद वह पुलिस चौकी के पास बाइक समेत किसी काम से खड़े हो गए, तभी पानी ढो रहे लोडर ने उन्हें पीछे से ठोकर मार दी, जिससे वह बाइक समेत लोडर के नीचे गिर गए और उन पर लोडर का पहिया चढ़ गया। दुर्घटना होते ही लोडर का चालक मौके में ही लोडर को छोड़कर वहां से भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शी और उसी मोहल्ले के रहने वाले ओम प्रकाश राजपूत और श्याम किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व फौजी अपनी साइड में बाइक में खड़ा था, लोडर के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चढ़ाते हुए फौजी को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूर्व फौजी की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। ये मेरे घर के ठीक सामने पास ही में घर इनका है, फौजी है ये रिटायर, ये बच्चों को स्कूल छोड़ के लौट के आए थे, उधर कालूकुआं में जाएंगे वहीं पे रोड पे खड़े हो गए थे, पीछे तो लोडर आया पानी वाला जो सप्लायर देते हैं, उसने सीधे उनके सर के ऊपर से पहिए चढ़ गए पूरा। वाहन स्पॉट वहीं पे इस बार अरे ये जा रहे थे पूजा करके आए थे और ये घर जा रहे थे, तो ये कालूकुआं चौराहे के पास ये हनुमान इंटर प्रोजेक्ट के ठीक सामने ये रुके और एक पीछे से एक पानी का टैंकर आया लोडर जो सप्लाई करता है पानी, तो उसने ठोकर मार दी और ये अपनी साइड ही पे खड़े थे, ठोकर मार दी और उसने ये नहीं देखा कि क्या ये क्या कैसा नहीं गिरी किधर गिरे कि गाड़ी की तरफ, और वो सीधे अगला टायर और पिछला टायर चला के आगे बढ़ गया है, और जब उसने देखा कि बहुत बड़ी घटना हो गई तो वो लोडर छोड़ के अपना भाग गया।